अथ पंचमोध्याय अर्जुन वाच सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रे एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान वाच सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराभव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यग् व्योर्विन्दते फलम् यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यह अध्याय बहुत दिन से चल रहा है और इसका कारण यह है कि भगवान ने यहाँ ऐसी बातें कही थी जो आज तक किसी ने नहीं कही। संसार में लोक धर्म वेद धर्म ये इनकी बेड़ियाँ इन्होंने संसार को नियंत्रित किया। संसार में जीव कामाचारी न बने मनमाना न बने इसलिए लोक वेद की श्रृंखलाएं बांधी गईं। लोक भी एक जंजीर है। भगवान कहते हैं लोक संग्रह के लिए कर्म करो। तीसरे अध्याय में 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी कर्म कर तुम यारहसी ऐसा कार्य न करो जिसका प्रभाव लोक पर बुरा पड़े। वैदिक भी श्रृंखलाएं बांधी गईं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव ये देव रूप हैं सब। तो इन श्रृंखलाओं को भगवान की इच्छा से बांधा गया इसको धर्म कहा गया। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम चाहे हम शुद्ध हैं लोक विरुद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी बार बार कहा कि लोक संग्रह के लिए कार्य करो या सर्वभूत हिते रता ज्ञानियों के शिरोमणि बन जाओ तो भी सर्वभूत हित में कार्य करो। ये भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है। वहाँ ज्ञानियों के शिरोमणि होने के बाद भी ज्ञान मार्गी लोग अधिकतर अकेले रहते हैं। कर्म संन्यासी लोग अधिकतर अकेले रहते हैं।
लेकिन अकेले रहने का मतलब कामाचारिता नहीं है, या मनमानापन नहीं है। सर्वभूत हिते रता, 12/5 सन्येन्द्रिय ग्रामम, सभी इंद्रियों को जिसने रोक लिया, सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समबुद्धि हो गई है, ज्ञान की पराकाष्ठा, ते प्राप्तवन्ति मामेव, ज्ञान की सिद्धि हो गई, शिरोमणि हो गया। लेकिन उसको भी सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हित में रत होना चाहिए। यानी लोग विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, शास्त्र कहता है भले तुम शुद्ध हो, लोक विरुद्ध कार्य मत करो। अगर कहा जाए गोपियों ने भी लोक वेद की बेड़ी तोड़ी, तो गोपियों की स्थिति अलग थी। बड़ों की नकल नहीं करनी चाहिए, वो तो लोक वेद को तोड़ा उन्होंने, किस बल पर तोड़ा, वो कृष्ण ही बन गई थी। इसका प्रमाण यह है, जो लोग गोपियों की नकल करते हैं, अंतरहिते भगवती ससैव व्रजांगना, रास पंचाध्याय में 30वें अध्याय में गोपियों की स्थिति का वर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति होने के बाद तब उन्होंने तोड़ा, अंतरहिते भगवती ससैव व्रजांगना अतप्यंस्तमचक्षणा करणे यूथ पदम। हाथी के बिना जैसे हथिनियां चिल्लाती हैं, बड़ा करुण क्रंदन होता है, उस तरह से उनकी स्थिति हो गई। और गोपियों की स्थिति क्या थी, कोई का प्रेम है ये विरह बताता है। मनुष्य जब उसके विरह में न रह सके, इसलिए विरह और संप्रलंब विप्रलंब मिलन प्रेम के दो पक्ष माने गए हैं। संप्रलंब माने मिलन, विप्रलंब माने विरह, दोनों ही प्रेम, दोनों मिलकर प्रेम होता है, अकेला प्रेम नहीं होता। इसलिए विरह भी गाया है महात्माओं ने। बहुत से लोग कहते हैं विरह क्यों गाया गया, श्री कृष्ण क्यों चले गए ब्रज से गोपियों को छोड़ करके, तो वो उसका कारण है मिलन और विरह दो पक्ष हैं प्रेम के। मिलन तो दिखा दिया और विरह ही एक कसौटी है जिसके बिना मनुष्य जीवित न रह सके। तो विरह की स्थितियां दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। और रास पंचाध्यायी जो रस का समुद्र है, वहां भी दो अध्याय विरह के, दो मिलन के, 5 अध्यायों में बंटवारा किया। वाह कहला,
तीसवां और इकतीसवां अध्याय भी रखा है, 32वां अध्याय वाद विवाद का है, प्रेम के सिद्धांत का, 33वां फिर मिलन का हो जाता है, 29 और 33 मिलन के हैं, और 30 31 विरह के हैं, 32वां सिद्धांत का है, कृष्ण और गोपी में बातचीत होती है। तो विरह है, कसौटी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकें। तो सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में जो रत है वही ज्ञानी है, कर्म सन्यासी है। कर्म सन्यास से मतलब लोग समझते हैं कि अकेले बड़ा विरक्त है, जंगल में रहता है, अकेले रहने से मन नीरस हो जाता है, कामाचारिता आ जाती है, चाहे जो करें कोई टोकने वाला ना रहे। ब्याह के बाद लोग अपने माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? कामाचारिता के लिए, मन में जैसा बोलेंगे व्यवहार करेंगे ये माँ बाप भी विघ्न है, तो वो कामाचारिता के कारण ऐसा करते हैं। तो कर्म संन्यास, वो कर्म से योग बताया भगवान ने, ये लोक वेद विरुद्ध था। वेदों में भी कर्म संन्यास का समर्थन है, भागवत में भी है। यह स्वकात परतो वा विदुर ने कहा, जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हृदय गेहात प्रवजे स नरोत्तमा। विदुर जी ने जब शिक्षा दिया 13वें अध्याय में, तो हृदय में एकमात्र कृष्ण को रख करके घर से चले जाओ, एकदम कर्म संन्यास, और ऐसी जगह शरीर छोड़ो जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मदद देने वाला नहीं। गतस्वार्थ मम देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर जहयात सवई धीर उदाहरता। ऐसा कर्म संन्यास बताया कि मरते समय भी किसी का एक गिलास पानी मत लो। ऐसा कर्म संन्यास कौन कर सकता है? 13वें अध्याय में, पहले स्कंद के 13वें अध्याय में विदुर जी ने जो उपदेश दिया है वो ऐसा कर्म संन्यासी बनना कठिन है। गतस्वार्थमिवम देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर जयात, अविज्ञात गति जयात, वहां जाकर मरो, शरीर को छोड़ो, कोई जानने वाला नहीं हो कि कौन मर गया। सवई धीर उदारता, तो ऐसा कर्म संन्यासी होने के बाद भी वहां पर भी विदुर जी ने परहित की बातें कही हैं। तो यहां भगवान ने भी संन्यास से कर्मयोग बड़ा बताया। क्यों बताया? इसलिए बताया कि संन्यास से बड़ा तो कर्मयोग हो ही नहीं सकता है। एक जगह भगवान ने स्वयं कहा है, 6वें अध्याय में, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, बिना संकल्पों को छोड़े संन्यास लिए
तो योगी हो ही नहीं सकता। छः बटा दो, छः बटा चार में कहा इसी बात को, सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स्थ दोचते। शरीर को छोड़ना, अलग रहना सन्यास नहीं है, संकल्पों को छोड़ना सन्यास है। ऐसा सन्यासी बन जाए तो क्या बात है। सर्व संकल्प सन्यासी सन्यास है। वो यानी उसके अंदर राग द्वेष ही नहीं है, न किसी से प्रेम है, न किसी से घृणा है। उसको नित्य सन्यास कहते हैं। पांच बटा तीन, ऐसा जो नित्य सन्यासी वो सबसे बड़ा है। गेय स नित्य सन्यासी योन्नत द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंद उसके अंदर राग द्वेष का चक्कर ही नहीं है, बिना प्रयत्न के वो बंधन से छूट जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ इतने साधु हैं, संध्या को लोग कहते हैं 100 आदमी यहाँ कीर्तन करते हैं, नीचे से ज़्यादा यहाँ आनंद आता है। हमसे नरसिंहदास जी बोले कि ऐसा आनंद आता है जैसे महाप्रभु जी के समय आता था, नीचे से भी अच्छा आनंद आता है। अब 100 व्यक्ति हैं, स्पष्ट है कि राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष हो तो एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ कमरे में नहीं रह सकते। यहाँ कोई विभाग नहीं है, जो कोई चाहे जहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा आदर्श स्थान कहीं नहीं है। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं हमको अलग कमरा दे दो, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ के लायक नहीं है, ये तो अलग कमरा चाहते हैं। ममता होती, आधिपत्य होता है, अहंता होता है, ये कमरा हमारा है, हम इसके मालिक हैं। तो अहंता भी है, ममता भी है, साधु बनने से क्या फायदा। उसे अच्छा घर में रहते, अलग मकान बनाते, उसके मालिक बन जाते। यहाँ आने के बाद भी तुम यही भावना लेके आए हो तो उनसे हाथ जोड़ दिया जाता है, आपके लिए अलग कमरा की व्यवस्था नहीं है, आप जाइए, साफ साफ कह दिया जाता है। मनुष्य को राग द्वेष छोड़ना चाहिए। किसी एक कमरे में राग कर लेना गलत है, किसी एक व्यक्ति से राग करना गलत है, किसी एक व्यक्ति से द्वेष करना गलत है। यदि है तो सन्यासी नित्य सन्यासी नहीं है। गेय स नित्य सन्यासी योन्नत द्वेष्टि न कांक्षति। अब जैसे बहुत से लोग चिढ़ते हैं रस मंदिर वालों से, रस मंदिर वालों का अलग कोई कमरा ही नहीं है, लक्ष्य है वो कहीं सोने की जगह नहीं मिलती है। वो लोग सच्चे वो देखा जाए तो इस परिभाषा में कसौटी में पूरे उतरते हैं। किसी एक स्थान में राग नहीं है, हर एक कमरे में 10-10 आदमी आके सो जाते हैं, घुस जाते हैं, इनको हम लोग नहीं पा सकते। चाहे कितना भाषण भूषण कर ले, चिल्लाते रहो, तुम्हारे हृदय का राग द्वेष नहीं गया है, तुम समझ ही नहीं सकते हो कि राग द्वेष क्या है, अहंता ममता क्या है। करना तो दूर रहा, समझ ही नहीं सकते हो तुम। इसलिए भगवान ने कहा कर्म सन्यास से कर्मयोग बड़ा है। कब बड़ा है? गिया स नित्य सन्यासी योन्नत द्वेष्टि न कांक्षति।
जब उसके हृदय से राग द्वेष चला गया, तब वो नित्य सन्यासी है और बंधन से छूट जाएगा। इसलिए इस अध्यात्म को बहुत दिन से ले रहे थे और अभी तो कई दिन चलेगा। हमारे यहाँ ये बेचारे विदेश के संत आए हैं जर्मनी के, इनको भी अलग व्यवस्था नहीं किया गया, सदा रहें तो अलग कमरा नहीं दिया जाएगा, सब मिल के रहो, ये सबसे ऊंचा रास्ता है। गेया स नित्य सन्यासी उन्नत वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक बाला, इनको अलग मानने वाले मूर्ख हैं, बाला माने ना समझें, पंडित नहीं हैं। एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, किसी का एक आश्रय ले ले तो दोनों को फल मिलता है। हमको डॉक्टरों ने सीढ़ी पर चढ़ने का मना किया तो हम यहाँ नीचे पड़े रहते हैं, पीछे गए तो सबसे बड़ा अच्छा कमरा मुनि जी का लगा, झोपड़ी सी है सात्विक है देखने में। हमने कहा कि ये तो अच्छा कमरा है कि नहीं, तो तुरंत मुनि जी बोले आ जाइए, हम आज से ही चले जाएंगे यहाँ से। तो हम समझ गए, हमने कहा तुम असंग पुरुष हो, तुम्हारी इसमें आसक्ति नहीं है, हम तुमको यहाँ से कैसे हटा सकते हैं, तुम ही सच्चे अधिकारी हो यहाँ रहने के, हम तो थोड़े दिन समय काट लेंगे। इन्होंने बहुत जिद किया, हम नहीं गए क्योंकि हमारी श्रद्धा के पात्र बन गए, हम अभी हट जाते हैं। तो मनुष्य को असंग भाव से रहना चाहिए, अहंता ममता को लेके नहीं रहना चाहिए। वो जो बनी रहती है मन में तो सन्यास फन्यास कुछ नहीं है, ढोंग ढांग है। गेया स नित्य सन्यासी योन्नत द्वेष्टि न कांक्षति, नित्य सन्यास तो रस मंदिर वालों का है, इनका अलग अलग कोई कमरे नहीं है, लच्छों का सोने के लिए कोई जगह नहीं, कोई भी आ गया सब पड़े हैं। हम लोग नाम मात्र के सन्यासी हैं। तो इसलिए सन्यास से कर्मयोगी बड़ा है, क्यों ना उसका न राग है न कहीं न द्वेष है, न किसी स्थान में राग है न किसी व्यक्ति में राग है। मनुष्य स्वतंत्र क्यों रहना चाहता है? कामाचारिता के लिए, हम चाहे जो काम करें। अधिकतर मनुष्य केवल कामाचारिता की दृष्टि से रहता है, भगवान की दृष्टि से तो सर्वत्र समभाव रहता है। वो हमारे यहाँ मान मंदिर में हम कहते हैं सतयुग आ गया, वास्तव में आ गया। संध्या को ऐसा कीर्तन करते हैं लोग, रात में भी ऐसा कीर्तन करते हैं, नगर फेरी भी ऐसी जोर से लगाते हैं, डबारे जाते हैं, डबारा चिकसोली बरसाना मानपुर चार गांव, चारों गांव में सवेरे दोपहर संझा भगवान नाम की धूम मचा देते हैं और पूर्ण विरक्त हैं, असंग भाव से रहते हैं। जब से कुछ लोग चले गए यहाँ खटपट नहीं हुई, वो खटपट वालों को ठाकुर जी ने हटा दिया। मान बिहारी लाल का चक्र घूमता है, वो अपने आप हटा देता है। असंग होकर के रहना चाहिए, न किसी व्यक्ति में आ सकती हो न किसी स्थान में आ सकती हो। अहंता ममता तो
किसी न किसी रूप में बनी रहती है, उसको समझना चाहिए और नित्य संन्यास क्या है उसको पकड़ना चाहिए। भगवान ने नित्य संन्यास उसी को कहा है जिसके हृदय में न द्वेष है न कांक्षा है, कोई इच्छा नहीं है, कहीं रख दूँ कहीं बैठो सब सुखी है। तो इसलिए ऐसा सन्यासी कर्मयोगी से बड़ा है, निश्चित बड़ा है। और ऐसे ही सन्यास इनको भी चाहिए, मुरली को भी, श्री जी को भी। इन लोगों का भी कोई अलग कमरा नहीं है, अलग पैसा नहीं है, अलग कोई अकाउंट नहीं है। हम भी आज तक हमारा कोई प्राइवेट कमरा नहीं है, हमारे कमरे में सब लोग रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को अपनी कमी को समझना चाहिए। गया सा नित्य सन्यासी, नित्य सन्यास, न द्वेष है न कांक्षा है, यही रास्ता भवसागर से पार करने का है। अलग इसको मानोगे जरा भी, सांख्योगु पृथक बाला प्रवदन दिन पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोर बिंदते फलम, यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैर विगम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब यहां एक समस्या आ गई कि भगवान ने कर्म संन्यास से कर्म योग बताया, बड़ा वो तो ठीक किया क्योंकि हम साधु बन गए और कर्म संन्यासी बन गए और हमारे हृदय में राग है अपने स्थान के प्रति, व्यक्तियों के प्रति द्वेष है, तो वो तो बड़ा नहीं है, उससे कर्मयोगी बड़ा है। लेकिन फिर भी प्राप्ति दोनों की एक ही होती है, ये तो बात भक्तों ने स्वीकार नहीं किया है। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, अस विचार जे परम सयाने, उनको परम चतुर कहा गया है और भगवान कहते हैं दोनों को फल समान मिलता है, तो परम चतुर नहीं है, इसको कैसे सुलझाया जाए। अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, मुक्ति में और भगवत प्राप्ति में फर्क माना है, भागवत में भी माना है। जब संकादिक वैकुंठ में पहुंचे पहली बार, तस्यार विंद नयनस्य तीसरा स्कंद पंद्रहवां अध्याय, ये सब गुत्थियां हैं, इनको सुलझाना कठिन है। तस्यार विंद नयनस्य पदार विंद 43 किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध ने ही वो भीतर नाक में घुसे, अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अभिचित तन्वा, उनके चित्त में और शरीर में संक्षोभ पैदा कर दिया। अक्षर जुषाम, अक्षर ब्रह्म की समाधि में लीन थे, इसके माने कि वो फल
ज्ञानी को नहीं मिलता है जो भक्त को मिलेगा, जो रस फल का भेद है। और यहां समस्या आ गई है, एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम, 5/4। अब इसको कैसे सुलझावें, किसी एक में स्थित हो जाओ अच्छी तरह से, दोनों को फल मिलेगा। दोनों का फल अलग अलग है यह भी वचन मिलता है भागवत में, 15/43 और प्रथम स्कंद 7वें अध्याय में भी साफ साफ कह दिया गया, आत्मा रामाश्य मुनियो निर्ग्रंथा आप्य रुक में कुर्वंती अहैतुकीम भक्तिम है, 10 है, 1 सही 7/10। आत्माराम होने के बाद, निर्ग्रंथ होने के बाद, आत्मा रामाश्य मुनियो निर्ग्रंथ, उनका सब गांठ टूट गई माया के, कुछ नहीं, पूर्ण रूप से ब्रह्म रूप हो गए। आत्मा राम ही माने अपनी आत्मा में रमण करना, और फिर भी वो भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं, उनको भक्ति की जरूरत क्या है, जब मिल गए सब कुछ तो। अथवा इसी बात को दूसरे स्कंद में शुरू में भी कही गई है, पर निष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक ले लिया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान, दूसरे स्कंद के शुरू में ही पहले अध्याय में 9वां। नैर्गुण्य माने निर्गुण ब्रह्म में जिनकी स्थिति है, पर निश्चित भी नैर्गुण्य, वे भी उत्तम श्लोक लीला भगवान की लीला से खींच करके और भागवत पढ़ते हैं या भक्ति करते हैं। प्राय मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधता निर्गुण स्थ रमनते स्म गुणानुकथने हर, प्राय अधिक दर देखा गया है जो विधि निषेध पार कर गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, निर्गुण में हैं, निर्गुण ब्रह्म में स्थित हैं, वे लोग भी भक्ति करते हैं। दूसरा स्कंद पहला अध्याय नहीं मिला, 2 सही 1/7 और 9, तो भेद तो बताया गया फल में, कई प्रमाण दिए हमने, पहले स्कंद के दिया, दूसरे स्कंद के दिया, तीसरे स्कंद के दिया, हर स्कंद में भेद है। फिर भगवान ने कैसे कहा, एकम अप्यास्थिता सम्यग उभयोर विन्दते फलम, हाँ सभी स्कंदों में है, क्या श्लोक है पूरा, हाँ यथा भक्ति मतामा, 9 सही 10/21। भगवान ज्ञानियों को सुलभ नहीं है जैसा भक्ति मताम, यहाँ भी फल है भेद, तो इसका क्या भगवान गलत कर रहे हैं, भगवान ही वहाँ कह रहे हैं, भगवान यहाँ भी कह रहे हैं, भगवान कभी गलत नहीं कहते, हम समझने वाले गलत हैं।
फल, फल दोनों का फल क्या है? समान। गोसाई जी लिखा है ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। भवसागर पार होने का फल तो दोनों को समान मिल जाता है। पांच बटे दो में भी कहा है भगवान ने, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराउ भव। दोनों ही कल्याणकारी हैं। निःश्रेयस कर माने मुक्ति, भवसागर पार हो जाएंगे ज्ञान मार्ग से भी भक्ति मार्ग से। लेकिन भगवान को वश में करना, भगवान को नचाना, ये भक्ति के कारण होता है, ज्ञान के कारण नहीं होता। जैसे कोई आदमी नदी पार कर रहा है, नदी पार कर गया लेकिन वो राजा है, नदी पार करने बाद उसका विशेष सम्मान होगा, राजा है। एक मजदूर ने भी नदी पार किया लेकिन मजदूर ही रहेगा। तो भवसागर पार होने का फल तो दोनों को समान है, किंतु आगे जो रस प्राप्ति की बात है उसमें भेद है। उसमें नकल नहीं करनी चाहिए या हठ या विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त का जो अधिकार है वो ज्ञानी को नहीं हो सकता है। भगवान अहम भक्त पराधीनो, अम्बरीश से कहा है नवें स्कंद के चौथे अध्याय में, ज्ञान पराधीन नहीं है भगवान, अहम भक्त पराधीनो। 9:4, 55-56 के पास होगा आखिर में, 50 हाँ वही 63। अब मैं भक्त के अधीन है, यह स्वतंत्र द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। ये फर्क रहेगा, भक्ति इसीलिए सबसे बड़ी है, वो भगवान को वश में कर लेती है, नचाती है, उसका नकल ज्ञान मार्गियों को नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग नकल तो किसी की भी नहीं करना चाहिए, हम गोपी हैं कपड़े पहन के लोग गोपी बन जाते हैं और अपने आप को गोपी भाव बताते हैं, ये गलत है। कपड़े पहनने से गोपी नहीं होता है कोई, हृदय उनका गोपी भाव में आ जाए वो अलग बात है। ऐसे नकलची लोग जो नकल करते हैं वो तो ऐसे समझो जैसे कुमार के घर में गधा था, उस गधे ने देखा कि कुत्ता आता है और मालिक उसको प्यार करता है, लेट जाता है और मालिक की गोद में भी कुम्हार के यहाँ कुत्ता रहता है, तो वो कुत्ता आके लेट जाता है, उसको थपथपाता है, प्यार से रोटी देता है। तो गधे ने सोचा कि हम इतना काम करते हैं, हमारा सम्मान नहीं है, इतनी मट्टी ढोते हैं हम,
तो कारण क्या है? बोले हमारे में प्रेम की कला नहीं है। जैसे लूट जाता है और गोद में ऐसे ऐसे पांव रख देता है, तो प्रेम की कला हमको सीखनी चाहिए। गलती हमारी है। तो दूसरे दिन गधा भी जा करके लौटा मालिक की गोद में और टांग उठा करके ऐसे करने लग गया। सुकुमार ने दो उठाया डंडा और ऐसा मारा उसकी टांगे टूट गई। तो नकलची नहीं बनना चाहिए। दूसरे का अधिकार क्यों है? प्रेम की कला दिखाने का कारण नहीं है। वो उसकी योनि है, उसके कर्म फल हैं, भोग। जाति आयु भोग अलग अलग है, इसको फल कहते हैं। जाति माने क्या? शरीर मिला है, उसमें कितनी आयु मिली है तुमको, कितना भोग मिला है, मान सम्मान, ये सब चीज़ें फल के अंदर आती हैं। तो फल की नकल नहीं करना चाहिए। अनाश्रिता कर्म फलम। भगवान ने कहा दो चीजें हैं, कर्माधिकार फलाधिकार। कर्माधिकार माने कर्म करने में अधिकार करना, होड़ करना, नकल करना। फलाधिकार कहते हैं फल में। भगवान ने दूसरे अध्याय में सारा संसार फलाधिकार में होड़ करता है। दो भाई होंगे वो भी होड़ करते हैं, उसके पास दो पैंट बन गया, हमारा एक ही पैंट है। उसके पास दो कमीज है, हमारी एक ही कमीज है। घरों में लड़ाई होती है फलाधिकार के पीछे। खेत जमीन जायदाद देवरानी जेठानी ये सब फलाधिकार के लिए लड़ती हैं। महात्माओं के आश्रम में चेला लोग रहते हैं, फलाधिकार के लिए लड़ते हैं। कर्माधिकार के लिए लड़ने वाला कर्मयोगी दुनिया में कोई एकाध होता है। भगवान ने श्लोक संख्या कर्मण्येवाधिकारस्ते 47 है, शायद 2/47 यही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्माधिकार के लिए लड़ो, फलाधिकार के लिए नहीं। फलाधिकार के लिए लड़ोगे तो पदच्युत हो जाओगे। अब इतने लोग हैं, 100 आदमी हैं, फलाधिकार के लड़ें तो उसको कमरा है, हमारा कमरा अलग हो, फलाना हो, तो 100 कमरे कहाँ से लाएंगे? कर्माधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, साथ जाते हैं, 4 गांवों में कीर्तन करते हैं। ऐसा सतयुग कभी पहले कभी नहीं आया मानगढ़ में। किसी की कोई भी फलाधिकार में इतना भी 1% शब्द नहीं सुना जाता, कर्माधिकार में ही सुना जाता है। ये सब जाने लग गए, संध्या को भी फेरी चल गई। सवेरे की अलग चलती है, संध्या की अलग चलती है। बल्कि 2 पार्टी बना दिया, एक डबहरा जाएगी, एक चिसोली मानपुर रहेगी। तो ये किसी ने नहीं कहा कि हमको दूर क्यों भेजा गया। डबहरा दूर है, आते जाते रेत में पांव गर्म होगा। तो कर्माधिकार भगवान ने कहा केवल कर्म के लिए लड़ो। हम ज्यादा कर्म करें, ये सच्चा रास्ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कदाचन मने कभी भी चाहे प्राण संकट हो जाए, फलाधिकार के लिए मत लड़ना। फलाधिकार के लिए लड़ोगे तो फिर वो माया है, भक्ति नहीं है। कर्माधिकार के लिए संसार के हर जीवों को लड़ना चाहिए। अधिकार है हमारा, हम ज्यादा काम करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कदाचन माने चाहे महंत बन जाओ, चाहे श्री महंत बन जाओ,
आपत्ति आ जाए फलाधिकार के लिए कभी मत लड़ना, वो केवल माया है। अगर गीता का सही अर्थ समझ में आ जाए तो कभी भी अशांति नहीं हो सकती। तो यह सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद युगैरपि गम्यते, ये कड़ी बताती है। उभय हरहिं भव संभव खेदा, ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ फेदा। इस दृष्टि से फल की समानता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, दोनों को एक जो समझता है उस वही सच्चा दृष्टा है, ज्ञानी है। ये बड़ा कठिन अध्याय है, महीनों से चल रहा है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यता, 5/6। बिना कर्मयोग के संन्यास प्राप्त ही नहीं हो सकता है। इसका दूसरा अर्थ भी लोग करते हैं। हठ योगी लोग कहते हैं सन्यासी बन गए तो प्राणायाम करो, आसन करो। वो अर्थ गलत है, क्योंकि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, हठ योग का नहीं। इस पंक्ति को लोग हठ योग में लगाते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यतः। ये खतरनाक श्लोक है। हठ योग का प्रसंग नहीं है यहाँ, कर्मयोग का प्रसंग है। तुम सन्यासी बन गए, कर्मयोगी नहीं गए, यानी राग द्वेष नहीं गया, तो वहां भी स्थान के लिए लड़ोगे। साधु साधु मुकदमा लड़ते हैं क्योंकि उनमें कर्मयोग नहीं है। ये बड़ा कठिन श्लोक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यतः, 5/6। योग नहीं है तो संन्यास तुम्हारा लुढ़क जाएगा, वहां भी जाके मुकदमा लड़ोगे। ये मेरा है तेरा है फैलाओगे, मेरा तेरा में तमाम साधु लड़ते हैं, और कर्मयोगी मेरा तेरा रखेगा नहीं, क्योंकि वो निर्द्वंद्व नित्य संन्यास में है। नित्य संन्यास के बिना ये जो संन्यास है ऊपरी संन्यास, ये नहीं चलेगा। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यतः, अयोग्यतः मने कर्म योग के बिना संन्यास सिद्ध नहीं होगा। ये बड़ा कठिन श्लोक है। और कर्म योग से युक्त हो गए तुम, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। नित्य संन्यास आ गया और भगवान मिले, राग द्वेष हट गया भगवान मिले। इसीलिए स्थानों में लड़ाई होती है। हमको एक हरिद्वार से आते हैं सन्यासी जी, ये कभी कभी यहाँ रहते भी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े स्थानधारी के नाम बताया, हिंदुस्तान में नामी है, नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने अपने गुरु को मरवा दिया, क्योंकि एक विष्णु के चेली थी विदेशिन गोरी, उसको साथ रखते थे, वो फटकारते थे गुरुजी, गुरुतुल्य थे कि ऐसा तो नहीं चाहिए अमर्यादित व्यवहार, तो उन्होंने उनको समाप्त करवा दिया। तो बड़ा अपराध किया, अब वो अपराध लाखों जन्म भोगना पड़ेगा गुरु हत्या का। वो क्यों किया? अपनी स्वतंत्रता के लिए, कि हम चाहे जो भी करें हमको टोकने वाला कोई न हो, अपने कमरे में चंगे नंगे नाचें, कोई मत टोकने वाला हो। तो वो नित्य संन्यास नहीं था उनके पास, ऊपरी संन्यास था फोकट वाला, इसलिए ऐसा जघन्य कार्य कर बैठे। मनुष्य प्रायः स्वतंत्रता चाहता है मन की, मन के अनुसार मन जैसा व्यवहार करेगा।
रमण रीति में गुरु शनराम जी महंत हैं, इनसे पहले चार महंत बदले गए, क्योंकि वो उनका राग था परिवार में, परिवार वाले आते थे तो उनको रुकाते थे, उनको आर्थिक सहायता भी देते थे, पोल खुल गई और महंता ही से हटा दिया गया। जगदानंद जी कई हटाए गए, ये जब से आए हैं ये स्थिर हैं, इनका कोई परिवार विवार का कोई नहीं आता। तो इस तरह से सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग्यता, कर्मयोग नहीं है तो सन्यास नहीं चलेगा, कर्मयोग के साथ सन्यास चले, दोनों अलग नहीं चले तो सन्यास निभ जाएगा। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचरेणाधि गच्छति। इसलिए हमने कहा ये अध्याय कठिन है, यहाँ बड़ी गुत्थियाँ हैं इस अध्याय में, उसको भगवान ने सुलझाया है लेकिन उसको हम लोग नहीं समझ पाते। आगे चलो, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब प्रश्न हुआ कर्मयोग जरूरी क्यों है, जब हम कर्म सन्यासी बन गए तो कर्मयोग जरूरी क्यों है। इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कि तुम जो है कर्मयोगी कर्म सन्यासी भेद बना हुआ है तुम्हारे मन में। कर्मयोगी जरूरी इसलिए है, योग में युक्त हो गया राग द्वेष चला गया तो विशुद्ध आत्मा हो गया, विजित आत्मा हो गया, मन को जीत लिया, जितेंद्री हो गया, हम अपने अलग कमरे में नंगे नाचें ये सब बातें खत्म हो गई, जितेंद्री बन गया। ये सब क्यों हुआ, कर्म योग से युक्त होने के कारण। कर्म योग से युक्त हो जाओगे तो विशुद्ध हो जाएगा मन, मन को जीत लोगे, जितेंद्री बन जाओगे, बिना कर्म योग के नहीं हो पाएगा। देखो एक उदाहरण बताते हैं, गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों गोरखनाथ के शिष्य हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। भर्तृहरि राजा थे, गोपीचंद राजा नहीं थे, वे तो दोनों की माताएं मिली तो विवाद हो गया, बोले हमारा लड़का बड़ा है राज छोड़ के गया है। गोपीचंद की माँ बोली हमारा लड़का बड़ा है, हम ब्राह्मण हैं, राज नहीं छोड़ा तो क्या है, ब्राह्मण जाति से ऊंचा होता है। दोनों में विवाद हुआ, विवाद पहुंचा गोरखनाथ जी के पास। गोरख जी ने कहा कि भर्तृहरि ऊंचा है, क्योंकि राज छोड़ा, राज छोड़ने का उसको अभिमान नहीं है। गोपीचंद दोनों की माताओं ने उपदेश दिया था कि बेटा साधु बनने जा रहे हो तो मीठा खाना, किले में रहना, और एक और बात बताई थी फूलों की सेज पर सोना। तो दोनों ने प्रश्न किया कि अब तो हम राजा हैं नहीं, फूलों की सेज पर कैसे सोजेंगे, मीठा कैसे खाएंगे, वहां साधु बन गए भिक्षा। हाँ तीसरी बात हम भूल गए थे, इन्होंने बताया किले में कैसे रहेंगे, किला तुम छोड़ के जा रहे हैं माता जी, जंगल में तो कुटिया भी नहीं मिलती है, आप कहते हो किले में रहना। तो वो बोली किले में इसलिए कह रहे हैं बेटा
ये ईंट पत्थर का किला नहीं, ईंट पत्थर का किला तो नकली किला है। 10 साधुओं के बीच में रहना किला है, वो देखेंगे तुमको हर समय। मनुष्य छिप के गलत काम करता है, सामने गलत काम नहीं कर सकता। जो साधु में भक्तों के बीच में रहता है वो किले में रहता है, जो अलग रहता है इसके माने कोई गड़बड़ी है उसके अंदर, कोई न कोई पेट में दाल में काला है, वो क्यों प्राइवेसी चाहता है। तो इसलिए किले में रहना। बोले मीठा कैसे खाएंगे? बोले जब इतनी भूख लगे कि सूखी रोटी भी तुमको अमृत जैसी लग जाए, तो वो मीठा खाना है। और फूलों को सेज पर सैया, बोले ऐसी नींद आवे कि कंकड़ भी तुमको फूल लग जाए। महाभारत में एक बार ऐसा हुआ, दिन रात लड़ाई चली, ये सही घटना बता रहे हैं। सारे दिन लड़ाई चली, घटोत्कच जिस दिन रात में आया है माया भी युद्ध करने, सारे दिन लड़ने में आदमी को संझा को विश्राम करेगा तो ठीक है, आगे लड़ सकता है। रात दिन लड़ाई 24 घंटे, तो लोगों को नींद ने इतना पटक दिया कि वहीं गिर गए। भले हमको मार डालो लेकिन नींद ऐसी होती है, मृत्यु पसंद करने लग गया लोगों ने। कितने लोग मर गए नींद में गिर करके। तो वो है फूलों की सेज पर सैया सोना, इस तरह से सोना, इस तरह से खाना, इस तरह से रहना। 10 आदमी देख रहे हैं,